इस वाली गेट वाले में तो मत करो। नहीं नहीं करूंगा। आपने कैसे पेमेंट कर दी बिना उसके? आप इसमें अभी जवाब देंगे? आपने कार्य से अधिक पेमेंट कर रखी है। अरे मत, जीएसटी से ऊपर कर रखी है इसकी चिट्ठी। अभी मैं नमस्कार। अभी आप जो हंगामा देख रहे हैं वह दरअसल रानीखेत की चिलिया नौला नगर पालिका परिषद की बैठक के दृश्य हैं। दरअसल गत दिवस पालिका अध्यक्ष कल्पना देवी ने नगर पालिका परिषद की बैठक बुलाई थी, जहां अध्यक्ष और तमाम सभासदों की मौजूदगी में ही अपर सहायक अभियंता मुकुल सती और ईओ जगदीश चंद्रा आपस में उलझ पड़े और गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई, जहां एईओ ने ईओ पर तमाम अनियमितताओं के आरोप लगाए, वहीं ईओ ने इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। आलम यह रहा कि अध्यक्ष सभासदों और मीडिया कर्मियों के आगे ही सारा हंगामा चलता रहा। देखिए रानीखेत से सीएनई संवाददाता गोपालनाथ गोस्वामी की यह खास रिपोर्ट। अधिकारी महोदय के आदेश पर यहाँ पर मैंने मार्च में ज्वाइन किया था एज ए तकनीकी अधिकारी। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था स्थायी रूप से सिविल कार्य में, क्योंकि प्रगति नहीं थी। तो लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो कई चीजें ऐसी देखने को मिली कि यहाँ सिविल कार्यों में किसी भी तरीके का कोई मानकों का प्रयोग नहीं किया था। जिस जब मैंने उनको प्रयासरत रहा कि उन कार्यों को कराना चाहिए, तो ईओ साहब जो यहाँ पर प्रभारी ईओ हैं और उनके द्वारा मेरे को बार बार उसमें रोका गया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपका काम केवल सिविल कार्यों को कार्य कराना है, जबकि उनके द्वारा जिस तरह की खरीद हो रही है और वो एक तरह के राजकीय धनों का दुरुपयोग है, और वो अपने मन से किसी बोर्ड में किसी प्रस्ताव को पास हुए बिना बगैर चीजें खरीदते हैं। आज मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को आग्रह किया था कि महोदय मैं ऐसी परिस्थितियों में कार्य करने में असमर्थ हूं, क्योंकि अगर कोई प्रेशराइज मुझे करेंगे, क्योंकि जिन बिलों में ऑलरेडी भुगतान हो गया उसमें मेरे मापांकन बाद में करने का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन ईओ साहब द्वारा लगातार मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो स्वागत गेट जो कि मानकों से ज्यादा अतिरिक्त मार्केट रेट से ज्यादा में खरीदे गए, उन मार्केट रेट से खरीदने के उपरांत इनके द्वारा भुगतान भी उसमें अतिरिक्त डबल जीएसटी में कर दिया गया। फिर ये मुझसे लगातार उस फाइल को देकर प्रेशर बना रहे 15 दिनों से कि आप इसको करिए, और इसकी वजह से ये हमारे जो सिविल कार्य हैं उनके भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार मुझसे संपर्क कर रहे हैं और ठेकेदार आज यहाँ आए भी हुए हैं, बहुत परेशान है। सब लोगों का यह कहना है कि हमारे भुगतान कब तक हो जाएंगे। तो कई चीजें ऐसी चीजें इन्होंने करी हैं जो नियम के विरुद्ध हैं, और मैंने इनको ये बीच में भी आगाह किया था कि राजकीय धन का दुरुपयोग आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सारे मेहमान भी मेरे साथ हैं, मेहमान का कहना है कि इस तरह इनका व्यवहार जो है ना जनता के प्रति उचित है ना किसी क्षेत्र के विकास के प्रति। ये मेरी जानकारी में नहीं है, जो भी यहाँ निर्माण काम होते हैं, जो भी तकनीकी काम होते हैं, वो जेई के संरक्षण में उनकी देखरेख में होते हैं। ऐसा कोई भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं है और ना मेरे सामने भी कोई आई है। ये अपने मनगणत बातें जो आज ये जो आई है, जो कि मेरे संज्ञान में नहीं था। सर जेई साहब के द्वारा आत्मदाह की धमकी दी जा रही है, ये क्या मैटर है? ये भी वो बचकानी बातें कर रहे हैं कि एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते इस टाइप की बात नहीं होनी चाहिए। और मेरी तरफ से कोई ऐसा उन पर कोई ना प्रेशर दिया गया ना कोई पत्र लिखे गए, और वो मनगणत बातें ही अपने कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जी उनका कहना है सर कि जो निर्माण कार्य पहले हो गए उनकी एमबी बाद में कैसे की जाए? जो भी काम होते हैं उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में होते हैं, टेंडर लगते हैं, टेंडर के आधार पर अनुबंध करते हैं, वर्क ऑर्डर करते हैं, और उसकी कॉपी जेई को भी दी जाती है और जेई अपने संरक्षण में करते हैं। कोई काम केवल हम आपदा प्रबंधन के अंदर करते हैं, जिसको जो है वो कोटेशन के आधार पर किया जाता है, वो भी जेई के ही आधार पर कोटेशन तैयार की जाती है, बनवाई जाती है, एस्टिमेट बन जाते हैं, तत्पश्चात ही काम होता है। कोई भी काम उन्होंने कराया होगा तो उसका समाधान बोर्ड में हो सकता है। सर जी साहब के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्वागत बोर्ड जो बनाए गए हैं उनकी पेमेंट कर दी गई है और एमबी अभी तक नहीं कराई गई, ऐसा क्यों? उसमें मैकेनिकल काम है, लोहे का अधिकतर काम था, हमारे द्वारा विधिवत एस्टिमेट बनाया गया है, विधिवत उसका कार्य हुआ है, जेई के संरक्षण में उसकी पूरी ग्राउटिंग हुई है, पूरी उनकी देखरेख में काम हुआ है, और सबसे सर्वप्रथम उनको जो पत्रावली दी गई थी उसकी जांच उन्होंने की है, उनके उसमें सिग्नेचर भी है।